बातों में लगा के मेरी कैंडीज खा रहे हो ना? और क्या करूं मैं, मेरा भी और अभी पी लो। हाँ खाओ खाओ, खाली पेट नुकसान दे होता है। तुम भी याद करोगे कि किससे पाला पड़ा तुम्हारा। ओ अच्छा, ऐसा क्यों? बहुत बड़ा दिल है मेरा। इंटरेस्टिंग, क्यों? क्योंकि शीनी साहिबा बिलाखिर इस वक्त इंसानों के रवैये का मुजाहरा कर रही हैं। तुम्हें लिपस्टिक याद है ना? लिपस्टिक, उस दिन वाली लिपस्टिक। कैसे भूल सकता हूँ मैं, ऐसा इंसानी चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, अपने ख्वाबों में भी नहीं। कैसे डाली थी ना नाक में मैंने, बहुत बुरे तरीके से। फिर से वैसा ही होगा और तुम्हारी नाक में बहुत अंदर तक डालूंगी मैं। बहुत तजर्बा है मुझे, इसलिए ज्यादा गुस्सा मत दिलाऊं आदर्श। कितनी जालिम है यार। यास्मीन, यास्मीन यहाँ देखो हमारे पास क्या है। ऐसा तो मत करो हमारे साथ। यास्मीन बस बहुत हो गया, नखरे मत करो। ऑरेंज वाले तुमने सारी खत्म कर दी? तुमने ही खाई है सारी। हाँ तमीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बिस्तर में होना चाहिए। बस यार, आराम कर करके बेजार हो गया था। तुम्हें बहुत तकलीफ है ना? गोली खा ली है मैंने, उससे आराम आ रहा है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? यार तुम्हारी इस हालत की वजह से मैंने बहुत सख्त बातें सुना दी हैं उन दोनों को। कितनी सख्त बातें? तुम जानते हो अगर खुद को ना रोकती तो उनको छत से फेंक देती मैं। कभी कभार मुझे तुमसे डर लगता है। मुझसे मत डरो। नहीं डरो मुझसे, देखो मैंने उन लोगों के लिए कहवा बनाया है। मुझे भी ऐसा लगता है यास्मीन, उनका कोई कसूर नहीं था, तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जब तुम्हें उस हालत में देखा तो बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। क्यों डर गई थी तुम, क्यों खौफ ज्यादा थी तुम? हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत मजबूत हूँ, बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक हो ना तुम? बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। खैर क्या वो इसे पीकर तुम्हें माफ कर देंगे? कावा बना लेता हूँ मैं। अरे नहीं लाओ मुझे, तो मैं बना सकता हूँ। मैं बना रही हूँ ना। ठीक है बना दो। ये किस तरह की अजीब केतली है यार, ऐसा भी कोई डिजाइन होता है? ये जब गर्म होगी तो हाथ जला देगी। सुहेला को क्या पता यार, वो मेरी बहन है, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या वो इस कावे की रिश्वत से तुम्हें माफ कर देंगे? अगर वो चाहते हैं तो ना करें, मैंने उन्हें बिल्कुल सही कहा था। मेरी जान तुम तो हमेशा सही होती हो। वाकई में बिल्कुल सही होती हूँ हमेशा। ठीक है लाओ मुझे तो। ऊपर चलकर पीते हैं। ऊपर चलकर? क्यों क्या हुआ? तुम कहती हो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कभी पहले ऊपर नहीं आए। चलो आप ही जाओ। जो तुम्हारा हुक्म मेरी जान, आ रहा हूं। मुझे तंग मत करो, मैं किताब पढ़ रही हूं। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो, यकीन है मुझे। अजीब हो, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहा हूं मैं? आराम से तो बैठा हूं। आराम से बैठने कहते हैं? अजीब से अंदाज से बैठे हो, आड़े टेढ़े होके जैसे मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ अजीब से अंदाज से क्यों बैठे हो? हाँ जवाब दो मुझे। लगता है एक कंधा नीचे की तरफ झुक गया तुम्हारा, और टक टक करके मोबाइल यूज किए जा रहे हो, क्या मुझे नजर नहीं आ रहा? टक टक की आवाज क्यों आएगी, सादा नहीं है, स्मार्टफोन है ये, लगता है काफी पुराने जमाने की हो। कहाँ चली गई थी तुम यार? हाँ तो क्या कर रहे हैं आप लोग? किताब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये पढ़ने नहीं दे रहा। हाँ अरे भाई इसकी बातें तुम छोड़ो, कैसे तुम ये बताओ, सब ठीक तो है ना? काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, दर्द कम है। तुम लोगों से बात करना अच्छा लगा। क्या कोई गेम खेल रहे हो? नहीं यार कौन सी गेम खेलूंगा, नजमी को ढूंढ रहा हूँ, सिलेंडर निकनेम है उसका, पता तो करना चाहिए हमें इनका। ये कौन है? माफिया, वही वाला। अच्छा कहीं तुम ये उम्मीद तो नहीं कर रहे कि माफिया वालों ने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई होगी? उसे यूँ नहीं ढूंढ रहा हूँ, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि अगर वो किसी मामले में मुलव्वस होगा तो जरूर कोई ना कोई खबर होगी उसकी जिससे हमें पता चल सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है चलो अब ये बातें छोड़ो, मैं कावा बना के लाई हूँ, वो पी लो। ये रात के इस वक्त तुम लोगों के लिए कावा बनाकर लाई है यार, और तुम लोग? मैं तो पीऊंगा। अच्छी बात है। ये कैसा कावा है,
यास्मीन तुम जानती हो ना मुझे ज्यादा शक्कर पसंद है। चलो अब रहने भी दो, पूरी जिंदगी तो बगैर शक्कर के पीती रही हो। ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप पी लो ये तुम। ठीक है इस बार पी लेती हूँ, इसके साथ खाने के लिए बिस्किट नहीं है क्या? कहवे के लिए शुक्रिया यास्मीन। कोई बात नहीं आतिश, मैंने बहुत बुरा भला कहा, आप लोग सही थे। बिल्कुल सही कह रहे थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तुम मुस्तकिल एक ही बात दोहराई जा रही हो, पता नहीं क्यों। हाँ तो यास्मीन एक ही बात किए चली जा रही है कब से, कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ ठीक है, मैंने कहा है कि तुम लोग सही हो, लेकिन हर मामले में नहीं, सिर्फ इतने से सही हो तुम लोग। हम लोग कितने सही हैं? बस इतने से। पता है ना उंगली तोड़ सकती हूँ मैं। कावा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ये मेरी समझ से बाहर है, जरा सी भी नॉर्मल नहीं है। हाँ यार। मुझे लगता है कि इसमें कोई खराबी है, चेक करवाना चाहिए। अमीन क्या हुआ, मैं परेशान हो गई, तुमने कभी पहले तो नहीं बुलाया इसे। आमतौर पर मैं कुछ हिचकिचाता हूँ। क्या कुछ बुरा हुआ है? नहीं, बल्कि कुछ अच्छा हुआ है। गुलरेस, याद है तुम्हें, आज सुबह मैं आधे रास्ते तक तुम्हारे पीछे आया था। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। अब मैं आधे रास्ते तक चलना नहीं चाहता। अमीन, लेकिन हम गुलरेज, ठीक है, हम बच्चे थे, नादान थे, हमने उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाने दिया। तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मैं तुम्हें ख्वाब में देख देख कर थक गया, अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। अमीन, हमारे बीच कोई रुकावट नहीं गुलरेज, हम कब तक वक्त को यूं बेकार जाया करते रहेंगे, बताओ मुझे। और देखो हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। अमीन, हमने एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्म दिए हैं। मानता हूं मैं, अब हम एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, हम दोनों एक दूसरे की दवा बनेंगे। मेरे अंदर जो तुम्हारी कमी है वो सिर्फ तुम्हें पूरा कर सकती हो गुलरेज। चलो उन बीते सालों को यूं जाया होने से बचाएं, वक्त की उड़ान को रोककर जिंदगी जीते हैं। चलो जीते हैं, वक्त को रोकते हैं। तुमने संभाल कर रखी थी। संभाली हुई थी। आप मछली शिकार लग गया, यहां कर जरा स्टिक पकड़ना, जल्दी करो कहीं निकलना जाए। हाँ बस ठीक है। अमीन ये क्या है, बताओ ना क्या है ये? अपने रिश्ते को मजबूत बना रहा हूं, यही चाहती हूँ ना। मैंने कहा था ना तुमसे कि यही वो जगह है जहां मैं अपनी जिंदगी के हर खूबसूरत लम्हात को कैद करना चाहता हूं। ये तुम्हारे लिए। तुम मुझसे शादी करोगी गुलरेज? हाँ करूंगी, करूंगी, मैं शादी करूंगी मैं तुमसे। आई लव यू, आई लव यू अमीन।
नहीं, मैं कुछ और नहीं सोच सकती इस वक्त। या तो हम ये शहर छोड़ दें या फिर पुलिस को सब कुछ बता दें कि देखें ये सब कुछ इस तरह से हुआ था। हमने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि हम वहाँ पहुँचे तो वो ऑलरेडी मरने वाला था। गोली लगी हुई थी उसको बहुत गहरी, और क्योंकि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मेरी दोस्त डॉक्टर है, तो हम वहाँ पहुँचे ताकि उस आदमी की मदद कर सके। लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी थी कि हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सके। चलो ये शहर छोड़ देते हैं, वो ज्यादा आसान है। तुम कहाँ जा रही हो? क्या कहा तुम लोग? कहाँ जा रहे हो ये कहा? अरे हम कहाँ जाएंगे? ये कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ। बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है यार। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम उन लोगों को ऐसे जीतने दे दोगे और डर कर भाग जाओगे? दोस्तों हम किसी को जीतने नहीं देंगे, तुम लोग परेशान नहीं हो, मैंने हर चीज संभाल ली। फिक्र नहीं करो, वो इतनी आसानी से मोहल्ले में आकर हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, मामला खत्म हो गया। तो बोलो क्या करोगे तुम? हाँ हाँ आतिश, अब मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करने वाले हो तुम? हाँ क्या मतलब है? अरे दोस्तों कहा ना, पुरसुकून हो जाओ, भरोसा रखो मुझ पे। कोई ऐसा मसला है अब तक जो मैंने हल न किया हो? नहीं है ना? ठीक है, जब मैंने तुम्हें बिना घबराए इत्मीनान से ऑपरेशन करते देखा तो मुझे लगा तुम पर भरोसा करना चाहिए। मैंने महसूस किया कि मुझे भरोसा है तुम पर, और जब मैं तुम्हें इस तरह देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मतलब क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है दोबारा? उफ, एतमाद उठ जाता है तुम पर से। मैं कोई इजाजत नहीं मांग रहा, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानी लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे असली नहीं लगते, मस्नूई से लगते हो, जैसे बिल्कुल बनावटी से हो तुम। इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब मिसाल के तौर पर तुम्हें देखकर हकीकत का एहसास होता है। सही कहा। यास्मीन को तो मैं पहले से ही जानती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर तुम यास्मीन के टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। शीरी आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं अपनी कजन को जानती हूँ अच्छी तरह, और तुम इसके मायार पर नहीं उतरते। समझा नहीं, ये क्या बात हुई? मायार का क्या मतलब? अब तो मैं भी मायार के बारे में जानना चाहता हूँ, तो बताओ। एक बात कहूँ मैं? देखो ये मेरी कजन है और हम साथ बड़े हुए हैं। यास्मीन को जैसा लड़का पसंद है उसको दमीर की तरह थोड़ा दुबला पतला होना चाहिए, कैसा? क्या बात है, जो ऐसे ऐसे करके चले। बिल्कुल सही कहा। मतलब खुद बताओ कि आतिश ऐसा दिखता है? लेकिन जब मैं आतिश का चेहरा देखती हूँ तो बिल्कुल ही अलग इसकी पसंद से। यानी चेहरा तो देखो इसका जरा, बेबी फेस, हर वक्त पार्टी करने वाला लड़का। यास्मीन को कैसे पटाया तुमने? सोच रही हूँ मैं तो अभी तक ये। यास्मीन कैसे कैसे कर लिया इसने, कैसे कायल किया इसने तुम्हें? शकुक दूर करो इसके यास्मीन, मेरी जान। बताओ ना मेरी जान। यूं हुआ था कि मैं एक होटल में शेफ थी, अभी होटल का नाम याद नहीं आ रहा, शेफ थी। ठीक है, आतिश वहाँ आया था तो फिर मैं वहाँ शेफ और वेटर्स दोनों थी। आतिश ने मुझसे अपने बिल का पूछा था। तुम्हारा मतलब वेट्रेस और गाहक के बीच प्यार हुआ है? क्या किया था इसने बताओ, क्या किया था? क्या बिल के बीच में शादी की अंगूठी रखी थी, या फिर बिल के नीचे अपना नंबर लिख कर दिया था? क्या किया था इसने? कैसी बातें कर रही हो? तो फिर आगे हुआ यूं कि हम ना, आतिश तो मेरी मदद क्यों नहीं करे? चलो आगे की कहानी तुम बता दो उसका। हाँ चलो बताओ। मैम ठीक है बताता हूँ। ऐसा हुआ कि मैंने बिल मांगा क्योंकि मैंने खाना खाया था, और खाना खाते खाते मुझे खाने से इश्क हो गया। मैंने पूछा किसने बनाया है, वेटर को बुला के उससे पूछा मैंने, उसने बताया, उसने बिल ला कर दिया, बिल दिया मैंने। फिर मैं उसके बाद किचन में चला गया, मैंने दरवाजा खोला और पूछा मैंने कि वो डिश किसने बनाई थी। इसका चेहरा थोड़ा ऑफ हो गया था, मैंने तारीफ की इसकी, और उसके बाद मैं इसके शहर में खो गया था, और फिर हमारा झगड़ा हो गया। बताओ इन्हें तुम बेटा, इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। और फिर हमारी लड़ाई शुरू होने लग गई, जिसके हाथ में जो आया वो मारने लगा, मेरे हाथ में फ्राइंग पैन आ गया। सही बात है ऐसे ही हुआ। खूब घुमाएंगे, लड़ाई तो ऐसी होती, काफी देर यही कुछ होता रहा। हंस क्यों रहे हो तुम दमीर? ये स्टाइल है मेरा। मुझे देखना है फिर से हंसो। अच्छे लग रहे हो, फिर बताओ क्यों हंस रहे थे तुम? मुझे ये कहानी मजेदार लग रही थी इसलिए हंस रहा था। हाँ यास्मीन आगे बढ़ो और बताओ क्या हुआ था? और फिर आखिर में ये हुआ कि इसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया, और फिर इसको गिल्टी होने लगी क्योंकि इसकी वजह से निकाला था मुझे, तो इसने मुझे नौकरी की पेशकश कर दी। तुम तो जानती हो कितनी अनपरस्त हूँ मैं, एटीट्यूड तो पर इसने इनकार कर दिया। फिर मैंने इसे बहुत बातें सुनाई, बहुत लड़ाई हुई हमारी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे इससे इश्क हो गया।
हाँ यही हुआ। कितनी बोरिंग सी कहानी है आतिश हमारी। सही कह रहे हो यार, वाकई बोरिंग मत कहो, राजदारी मुनासिब लफ्ज है। सही कहा ना। दरअसल मैं तो किसी और चीज के बारे में मुतजस्सिस हूँ। मुतजस्सिस मत हो, भूल जाओ मेरी जान, बिल्कुल भूल जाओ। तजस्सुस को जिंदा रखो, अभी हम लोग कुछ गेम खेलते हैं। अच्छा ठीक है, गेम खेलते हैं, इससे कम से कम डाइवर्ट होंगे और बुरी तरह की बातें जहन में नहीं आएंगी। यार बार बार एक ही कहानी सुनने का क्या फायदा, अगर सुनते रहे तो वो सुनने के काबिल ही नहीं रहेगी। चलो गेम खेलते हैं। क्या खेलेंगे हम? ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही गेम है। वही गेम ना जिसमें जोड़े बना के खेलते हैं। हाँ, वही, अगर गलत नहीं हूँ मैं। हाँ, बस वही गेम है। चलो अब हम साथी चुनते हैं, कौन किसके साथ खेलेगा। साथी होगा यास्मीन और मैं। हरगिज़ नहीं। क्यों? मतलब इनकी टीम मजबूत हो जाएगी, वैसे भी मुझे ये गेम नहीं खेलने आता तो मैं कमजोर हूँ। तुम दोनों के मुकाबले में मैं और दबीर होंगे। हरगिज़ नहीं, ये तो पेशे वाली टीम हो जाएगी। तुम दोनों शेफ एक साथ और हम दोनों डॉक्टर्स एक टीम में। तुम दोनों की टीम ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि मैं से बिल्कुल नहीं जानती, इसीलिए कजन एक साथ होंगे। ओह यानी लड़के और लड़की। हाँ, हाँ। ठीक है फिर। हाँ, चलो फिर ये जगह साफ करो, मैं जल्दी से गेम कराती हूँ। ठीक है, ये जगह साफ करो, वो आ रही है। मैं किताब पढ़ लूँ। ये लड़की तो बहुत ही मेहनती है सच में। और अपने बुढ़ापे तक ये भी ले जाओ। रुको, ये लो। गुलरेज़, वाह वाह वाह, तो अब तुम दोनों इस दूसरे मौके से भरपूर फायदा उठाने में मशगूल हो। हाँ, अब हमारा पीछा छोड़ दो आसिफ। भाईजान, मेरी इजाजत के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। भाईजान, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे, आपको अपनी जिंदगी में अब देखना भी नहीं चाहती। बिना पैसों के ये आदमी तुम्हें? मेरे पास अपने पैसे हैं जो कि मैं आपसे लेकर ही रहूंगी, ये बात आप याद रखिएगा। अब मैं आपको हमें फिर से जुदा करने की खुशी हासिल करने नहीं दूंगी। अमीन, आतिश, आतिश तुम्हारा बेटा है। ये तुम क्या कह रही हो गुलरेस? अमीन, तुमने सही सुना है। मैंने अबॉर्शन नहीं कराया था, मैं नहीं करवा सकी, नहीं कर सकी ऐसा। मैं इस आदमी की धमकी और ब्लैकमेलिंग और हर बार तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हुई, और इन्होंने हमारे बेटे को भी अपने कब्जे में कर लिया। ये आदमी आतिश का बाप नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया वो सब करने के बाद तो ये मेरे भाई कहलाने के लायक भी नहीं है। अमीन, आइंदा हमारे बीच कभी मत आना आसिफ, वरना तुम्हारी मौत बन जाऊंगा। हाय अल्लाह, कसम से दमीर, देखो ये गेम कितना अच्छा था, इसने सारी परेशानियों को भुला दिया एक मिनट में। हाँ, तुमने हमें बंदर जो बना दिया था और यहाँ से वहाँ दौड़ाती रही। तुम गेम को उसूल के मुताबिक खेलते रहे ना, कुछ सीखो उन लोगों से। मुझे ये बताओ कि क्या नीचे ड्राइंग रूम में मेरे सोने के लिए जगह होगी? मेरे आने जाने की वजह से वो दोनों परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा बेचारे। बेचारे, तुम ये सब बातें मत सोचो, ऊपर जाके सो जाओ, वो लोग कोई परेशान नहीं होते। नहीं, मैं ऊपर सोफे पर बहुत बेआराम होती हूँ, अगर मैं यास्मीन के साथ सोती हूँ तो आतिश को सोफे पे सोना पड़ता है जो काफी छोटा है। आतिश के लिए परेशान मत हो, ऊपर जाओ और यास्मीन के साथ जाके सो जाओ, सोफे पे आतिश आराम से सो जाएगा। ठीक है, मैं आज ऊपर जाकर सोती हूँ, कल की कल देखेंगे। और हाँ, ये बताओ तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। अगर दर्द हो तो गोली खा लेना जो मैंने तुम्हें दी थी, आराम आ जाएगा। ये रात किस पहर तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? धारीजान, हम क्या करेंगे, मेरे जख्म और दर्द की बातें हो रही हैं। चले आए, तुम लोग बातें करो आराम से, मैं तुम लोगों के बीच भी नहीं आना चाहता। बस करें दादी, कैसी बातें करें। अरे आप कहाँ जा रही मेरी मलका? शब बखैर दादी। शब बखैर, बाय बाय। अच्छा खैर दमीर, तुम्हें भी शब बखैर। पानी नहीं चाहिए तुम्हें? पानी? कैसा पानी?
शब बखैर। मेरे दिमाग में ऐसी बातें डालकर खुद सोने चली गई, अब नींद कहाँ आएगी। आतिश, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे लिए बिस्तर बना रहे हो? पागल हो गई, तुम्हारे लिए क्यों बनाऊंगा मैं? ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। यास्मीन ने ये सब सामान मुझे दिया है। क्या कह रही हो? तो तुम्हारे लिए? नो, हाँ। उसने शायद ऐसी रखी हुई थी, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे यहाँ सोने दो बस, तुम अंदर सो जाओ, तुम यहाँ वैसे भी बेआराम हो जाओगी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ अंदर बिस्तर पर जाओ, मियाँ बीवी को अलग थोड़ी करूंगी मैं। ये कैसी बातें कर रही हो यार, कुछ नहीं होता, तुम तो वैसे भी हमारी मेहमान हो, और तुम कोई आम सी मेहमान नहीं हो देखा जाए तो। तुम एक ऐसी मेहमान हो, अगर तुम्हें सोने में बेआरामी हुई तो तुम हर जगह जाके ढिंडोरा पीटती फिरोगी और हमें बदनाम करोगी, इसलिए प्लीज तुम अंदर जाके सो जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं यहीं सोऊंगी और तुम जाओगे अंदर सोने के लिए। वक्त जाया मत करो, जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? कि अंदर ना जाने की कोई और वजह भी है तुम्हारे पास? बात सुनो मेरी, तुम्हारे ख्याल से मेरे अंदर ना जाने की क्या वजह हो सकती है, बताओगी मुझे? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है यास्मीन और तुम्हारी लड़ाई हो गई हो। वो तो नहीं हुई है। ठीक है, तो फिर अंदर क्यों नहीं जा रहे? मेरी वजह से क्या? हाँ ना, ऐसा ही है। कितना ख्याल रखने वाला बहनोई है मेरा, माशाल्लाह, वाह। सबसे पहले तो ख्याल रखने वाला कहने का इंतहाई शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन इशाम में तो नहीं कहा था, मुस्तकिल मेरी तोहिन की जा रही थी। ठीक है, वहाँ कोई अजनबी तो नहीं था ना, एक तुम्हारी बीवी थी, और दूसरा वो जिसे तुम अपना भाई कहते हो। क्यों, क्या हो गया? नहीं बताओ क्या बात है, हा? तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो? क्या तुम्हें बुरा लगा था? मेरा दिल तोड़ दिया था तुमने। मैं उसे जोड़ भी सकती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट बनने वाली हूँ, दिल का इलाज करना सीख रही हूँ, गलत तो नहीं कहा मैंने? अगर ऐसा है तो ठीक है। और क्या बात हो सकती है? मजीद बात नहीं बढ़ाओ, तुम इसके अलावा और क्या कह सकती थी? मुझे इसी बात की तवक्को थी तुमसे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर सोना नहीं चाहती, सही कहा ना? नहीं, मैं अंदर नहीं सोना चाहती, मैं यहाँ सो रही हूँ, तुम अंदर जाओ। चलो शाबाश, जाओ ना अपने बिस्तर पर जाओ। तुमसे ज्यादा ढीठ इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं तुम्हें समझा सकता ही नहीं, इसी बात से तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। ठीक है, इंतहाई जंगली हो तुम ऐसे, जंगली लफ्ज ठीक रहेगा। ठीक है, जाता हूँ मैं यहाँ से। क्या करूं मैं यास्मीन, हाँ? मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं है, कहाँ जाऊं मैं? समझाया उसे, उलझा उसके साथ, लेकिन तुम्हारी कजन समझने को तैयार ही नहीं हो रही। मैंने उसे कहा कि जाओ अपनी कजन के साथ सो जाओ, क्या हो जाएगा? ऊपर से कहने लगी एक दूसरे से मियां बीवी को अलग नहीं कर सकती मैं। ऐसी कौन सी कजन होती है भला, कहाँ से मिली है तुम्हें ये? फजूल बातें मत करो, तुम यहाँ नहीं सो सकते, चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। देखो यास्मीन, मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग खराब मत करना, इस बिस्तर पर मेरा भी तब से हक है जब से हम रहने के लिए आए हैं यहाँ पर। जरा खुद ही सोचो, हमारे इस बिस्तर के लिए 15-15 दिन का मुआहदा नहीं हुआ था, तुम्हें कुछ तो याद होगा। क्या कभी मेरी बारी आई? नहीं तो, यानी कि इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ इस बिस्तर पर सोने के लिए मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी, सुन रही हो ना? और वैसे भी यास्मीन, हम दोनों साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, तुम चैंपियन बनी हो, मैं चैंपियन बना हूं। कई दफा यास्मीन, कई दफा मैंने मुश्किल का सामना किया है, हर मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुम्हारे वालदैन की जो मैं खिदमत करता रहा हूँ, क्या वो तुम सब कुछ बना चुके हो? चलो छोड़ो इसे, चलो सो जाओ, आवाज ना ही तुम्हारी, चलो। लेकिन जब हम वहां सोते थे तो हम दोनों के बिस्तर अलग अलग होते थे, याद है हम दोनों साथ थे ड्राइंग रूम में भी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? बीच में कुछ तो होना चाहिए। ये लो, रख लो जैसे रखना चाहती हो, रख लो, अपनी साइड पे सो जाओ, याद रखना कि एक बाल भी मेरी तरफ नहीं है, चलो सो जाओ। कहाँ फंस गया हूँ मैं? पागल कर देने वाली फैमिली है तुम लोगों की, तुम्हें पहले किसी ने बताया? सारी जगह तुम्हारे पीछे खाली पड़ी हुई है, जरा उस तरफ हो जाने की जहमत करोगी? खुद ही करना पड़ेगा। यह छोटा तकिया था, वो कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखना है। मैं चला गया। तुम भी चले जाओ उसके साथ। यार मैं
खूबसूरती का हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसे किससे बचा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है। दमीर, वाह तुम आ गए। तुम फिर से आ गई। जरा इस परी का हुस्न तो देखो। सच कहा ना, तुम बहुत हसीन हो, मगर ये ख्वाब है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या उन्होंने सर पे भी मारा था? हाँ मारा था, लेकिन तुम प्यार करोगी तो ठीक हो जाएगा। यास्मीन, क्या तुम सच में यहाँ हो? मेरा मतलब, कभी कभी तुम्हारी आवाजें आती हैं और कभी कभी तुम खुद चल के आ जाती हो। मैं अक्सर तुम्हें आते जाते देखता रहता हूँ। आंखें बंद करते ही ये सब शुरू हो जाता है, जानती हो ना, जब दो दिल मिल जाते हैं तो। खैर जाने दो, छोड़ो। सारा तुम इधर तो आओ मेरे पास। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ देख के अच्छा लगा। अभी हेलो को छोड़ो। मैं तो बस का इंतजार कर रही हूँ। और तुम? मैं भी। तुम क्या कर रही हो? क्या सोच रही हो? अगर किसी से शादी करूंगी तो वो सिर्फ तुम हो क्या? सच में यही बात मेरे दिल में भी थी, बिना किसी दबाव के अच्छे और बुरे को जहन में रखते हुए, अपने धड़कते हुए दिल के साथ। वैसे अच्छा सोचा तुमने, लेकिन जानती हो तुम, मेरा तो फायदा हो गया। अब इसे शायरी समझो या नजर, ये सब कुछ है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मजाक नहीं, हमने बहुत मजाक कर लिया, खूब हंस लिया, लेकिन तुम जानती हो इस लम्हे का मैंने कितने अरसे से इंतजार किया था। या यूं कह लो कि तुम तसव्वुर कर सकती हो कि कितने अरसे से इस लम्हे का ख्वाब देख रहा था। मैं भी नहीं, मेरा मतलब मिसाल के तौर पर मुझे वो वक्त याद है कि मैं कब से इस लम्हे का ख्वाब देख रहा था। कब से? जब तुम 10 लीरा के नोट मशीन में डाल रही थी, वो अंदर नहीं जा रहा था, बार बार बाहर आ रहा था। मैंने कहा था मैडम मैं आपकी मदद करूं, और तुम पलटी और फिर मैं गायब हो गया। अब हम साथ हैं और एक बार फिर से इसी तरह मिलते हैं। बताओ मुझे, तुम्हारे ऐसे मिलेंगे? क्या तुम्हारा हाथ हमेशा ऐसे रहता है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि मेरा ख्वाब जो सच हो चुका है। चलो तुम यहाँ आओ। आ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम बखैर खातून। हाँ। ये दोनों यहीं रहते हैं ना? इस वक्त कहाँ पर हैं? हाँ वो लोग ऊपर मौजूद हैं। क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? ये हमारा घर है भाई साहब, यहीं रुकिए। अंदर क्यों आ रहे? रुकिए। जलाल, दमीर, यहाँ आओ मेरे बच्चों। क्या हुआ? बस गए। ये रो तुम्हारी चप्पल, ये रो। जल्दी 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 करो। ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही हो? चलो बाहर चल के देखते हैं। हाँ ठीक है, जाओ 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 जाओ। क्या हुआ दादी जान? क्या हुआ दादी? क्या हुआ? क्या बात है अम्मी? ये लोग आतिश और शीरी के बारे में पूछ रहे हैं। क्या चाहिए इन लोगों को? मुझे नहीं मालूम। कौन है ये लोग? कसम से मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता इन लोगों को। अरे शीरी, आतिश, ये लोग तुम्हें बुला
नीचे आओ। क्या हो गया यास्मीन? यास्मीन क्या हो रहा है? मुझे क्या पता क्या हो रहा है, नीचे से आवाज आ रही है, जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होगा। चलो चलकर देखते हैं। किसकी आवाज आ रही है? कौन है? डरने से काम नहीं चलेगा, चलो जाओ तुम। यार कहां चले गए थे तुम दोनों? तुम दोनों की वजह से बॉस से हमें बहुत डांट पड़ी। गुड इवनिंग। हम तो बस ऐसे ही। खैर हम आपको सूरत हाल से आगाह जरूर करना चाहेंगे। दरअसल हम लोग तो गोली निकालने की कोशिश। कौन सी गोली, कौन सा बॉस, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? क्या आपको पता है वहाँ हमारे घर के बाहर एक प्यारा सा गार्डन बना हुआ है, अगर कहें तो वहाँ चलकर बात हो सकती है। यहाँ पर फजूल में लोग परेशान हो रहे हैं, हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक मिनट, उन्होंने बॉस कहा, कौन है आपका बॉस? नजमी बाबा। नजमी बाबा जिंदा है अभी? हाँ बिल्कुल। अरे नजमी बाबा जिंदा है। अरे जिंदा है वो तो। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा हो गया। बहुत मुबारक हो, आप भी आइए गले मिलिए। कैसे हो सकता है? खुशी हुई मुझे जानकर नजमी बाबा जिंदा है। इसका मतलब तुम लोगों ने नहीं मारा? क्या कह रहे हो? क्या मतलब क्या कह रहे हो तुम? नहीं वो जिंदा है, डॉक्टर्स का कहना है जो आपने उनकी सर्जरी की उससे वो मौत के मुंह से दोबारा वापस आए, और उन्होंने शुक्रिया के साथ साथ ये आपके लिए भेजा है मिस शेरी, और वो आपसे एक बार बजाते खुद मिलना चाहते हैं। इसी को ले जाओ, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, प्लीज। हमें चलना चाहिए अब। मेरा सलाम कहिएगा। हाँ जा, 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 बाबा। जा। एक मिनट रुको, क्या कोई मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है इस घर में? शीरी आतिश, इस किस्म के लोगों को मैं अपने घर के नजदीक भी नहीं देखना चाहता, जानते हो तुम। अरे मैं कैसे नहीं जानूंगा जलाल अंकल, वैसे भी मेरा इस किस्म के लोगों से क्या ताल्लुक है, और वो यहाँ मेरी वजह से नहीं आए थे। ये वो जिसकी वजह से आए थे। अब मैं आपको सब समझाती हूँ। दरअसल मुझसे किसी ने कहा था कि एक ड्रेसिंग करनी है, और मैं ड्रेसिंग के लिए जब जा रही थी तो रास्ते में मुझे बहनोई साहब मिल गए, जिसके लिए मैं इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो पता चला कि ड्रेसिंग ही नहीं करनी थी, बल्कि उन्हें तो गोली भी लगी थी, और जिसे गोली लगी थी वो माफिया के सरदारों के सरदार थे। अभी हम नजमी साहब का इलाज कर ही रहे थे कि उस दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। अब वैसे मिल गए हैं तो ड्रेसिंग मगर मत करना तुम। मेरा मतलब यह है कि हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये सब कुछ हो गया नजमी बाबा के मरने में। नजमी बाबा, अरे यार बस भी करो। हम सब ने इन लोगों से झूठ बोलने के लिए अपनी अपनी फर्जी कहानियां बनाई थी, और वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? इसे भी इतनी मार खानी पड़ी सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ ना। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम अंकल से माफी मांगोगे। क्या कहा? इस बात का मतलब ये है कि दो दिन भी सुकून से नहीं गुजारने दे सकते, हमारी जिंदगी उलट पलट करके रख दी है। एक मिनट रुको, ये सब क्या हो रहा है? हाँ अल्लाह अल्लाह, मुझे यहाँ सिर्फ आए दो दिन हुए हैं, दो दिन मेहमान रही हूँ मैं आपकी, लेकिन मेरे साथ इस तरह पेश आता है कोई मेहमानों के साथ? देख रहे हो ना किस तरह तुम सब मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बहुत सच्चे बनते हो ना, तो इकरार करो अपने झूठों का भी। क्या हुआ सच बताओ ना आतिश साहब, क्या बहनोई? क्या मतलब है शेरी, ये सब तुम क्या कह रही हो? कैसा झूठ? नहीं, कोई सोने नहीं जाएगा। यहाँ पर खड़ा हर एक शख्स अपनी छुपाई हुई बातों का इकरार करेगा सबके सामने। बताओ क्या सच है? आखिर ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? आतिश, ठीक है बताता हूँ। जलाल यार परियान भूख लग रही है, कब खाएंगे खाना आखिर? मेरी जान, मेरे शौहर, थोड़ा सब्र, हम बच्चों को सरप्राइज देना चाहते हैं। शोर हंगामा सब कुछ ठीक है मेरी दादी जान। तो क्या क्या खुश आमदी रुक रहे है ना? खुश आमदी ये बाबा मेरे वालदैन है ना? तुम्हारे वालदैन शादी कर रहे हैं।
देखो मेरे दोस्त, देखो तुमने शादी कर ली है, देखो शुक्रिया बहुत खुशी हो रही है मुझे। अरे आप सबकी दुआएं चाहिए होंगी मुझे। कैसी आप बात है, अरे दादी जान से तो मैं नहीं मारा। कैसे हैं? अरे खुश हूँ। मेरी भाभी भी आ गई हैं। अमीन भाई। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी आपने आज? और क्या करते हैं आदिश ऑफिस तक? ठीक है ठीक है, हम भी देर से पहुँचे। ठीक है, ये बताओ कि और लोग कहाँ हैं? हाय अल्लाह। अरे ओ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आ जाओ। हाँ हाँ कहीं जा रहे हैं हम। अरे देखो तो बाबा जी, अब आप दादा भी पहनेंगे और नाना भी। चलो अब बताओ मुझे, लड़का होगा या लड़की? अम्मी, ये लोग नहीं बताएंगे, ये गुब्बारे बताएंगे, अभी देखिएगा क्या होने वाला है। ओ नहीं रे बाया, यही तो मजे की बात है दादी, यही तो खास है। ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। लेकिन पहले टर्न मेरी होगी। आखिर ऐसा क्यों सोहेला, हम पहले करेंगे ना? नहीं, हाँ। पहले हमें मालूम करना चाहिए क्योंकि हम बड़े हैं, हमारा हक पहले है ना। अगर ये बात है तो सबसे पहले खुशखबरी हमने दी थी। अरे नहीं, तुम्हारी बारी नहीं, हमारी बारी। अरे Oh my god, you're so beautiful.